नमस्कार इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 सितंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बागेश्वर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही जनता दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए आज बागेश्वर में रोड शो का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन के लिए किया जा रहा है रोड शो। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उस रोड शो की अगुवाई कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बागेश्वर में इस समय हो रहा है रोड शो। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बागेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं पार्वती देवी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सीट पर कांटे की लड़ाई है, जहां कांग्रेस यहां पर अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनता के बीच पहुंचते आ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज बागेश्वर में रोड शो का आयोजन किया गया है। तस्वीरें बागेश्वर की आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। बता दें बागेश्वर सीट पर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर बीजेपी की तरफ से उनकी पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनके समर्थन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो का आयोजन किया है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बागेश्वर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी पार्वती दास के लिए रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रोड शो की अगुवाई कर रहे हैं।
और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सिद्धार्थनगर जिले से आ रही है। मामला सीएमओ की रिश्वत से जुड़ा हुआ है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस मामले पर सीएमओ सिद्धार्थनगर ने सफाई भी दी है। दरअसल अस्पताल संचालक की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि उनके अस्पताल के लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए सीएमओ की तरफ से 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। अब इस मामले में सीएमओ की तरफ से सफाई सामने आई है। सीएमओ की माने तो अस्पताल में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किया जाता था, जिसकी वजह से तत्कालीन सीएमओ ने 1 साल पहले अस्पताल को सीज कर दिया था। सीएमओ का दावा है कि मेरे कार्यकाल में 1 साल से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरी तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ब्लैकमेल करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है और बार बार धमकी दी जा रही है, लेकिन जब मैं नहीं माना तो वीडियो वायरल कर दिया गया। उस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स ने सीएमओ पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया था। अब इस पूरे मामले में सीएमओ की सफाई सामने आई है। सीएमओ ने बोला है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, रजिस्ट्रेशन के लिए किया जा रहा था ब्लैकमेल। ये हमारा जब सीएमओ साहब से रिन्यूअल के मतलब अप्लाई जो मैंने लाइसेंस का किया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो सीएमओ साहब से जब हमने मुलाकात किया तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने भी मानक होना चाहिए, जितना भी अनुरूप होना चाहिए, सब मेरे पास हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। मानक के अनुसार हमारे सारे कम्प्लीट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर सीएमओ साहब ने हमसे लाइसेंस बनाने के लिए 5 लाख रुपये का डिमांड किया, तो हमने उनको 5 लाख रुपया हमने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने दबाव डालकर कहा तो 1 लाख रुपया हमसे ले लिए। फिर उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। 1 महीने का लाइसेंस जारी करने के बाद में फिर जब आगे का अतिथि बढ़ाने के लिए कहा गया तो फिर पैसे का डिमांड किए और पैसा न देने के कारण फिर कहा बोलते दबाव बनाया गया तो 50,000 में उनको और दिया। उसके बाद में तब से 4 महीने से अस्पताल बंद करवा के सीएमओ आप इसके चक्कर में काट रहा हूँ, और उनके जाने पर अभद्रता से व्यवहार की जाती है, गाली गलौज भी देते हैं वो, और हम ऐसे धमकी देते हैं कि आपका आपके नाम से FIR करवा के आपको सीज करा दिया जाएगा। अच्छा, ये वीडियो में डिप्टी सीएमओ VN चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी हैं, उनका क्या रोल था इसमें? सीएमओ साहब के पास जाने के बाद में तो पूरी तरीके से अपना बात करते नहीं थे, वो बोलते थे कि जाके नोडल से बात करिए जो भी करना हो। तो उनके उनसे मिलने के बाद में मैं नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ MN त्रिपाठी और VN चतुर्वेदी से ही मिलता था, तो उनके कहने पर सारी चीज़ें जो सीएमओ साहब कहते थे वो लोग आके हमसे कहते थे कि ये सारी चीज़ें हैं, सीएमओ साहब ने इतने का डिमांड किया, 5 लाख रुपये का आप इतना देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये सब सारी चीज़ें मतलब वो लोग इनसे कहलवाते थे, वो आके हमसे कहते थे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ VN चतुर्वेदी और जो नोडल हैं वो त्रिपाठी सब मिल करके एक सिंडिकेट चला रहे हैं वसूली का? जी, मेरे से पैसे के लेन देन कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने रजिस्ट्रेशन अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पांव मार रहा है, एम के प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था, और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास किया कर रहा है, क्योंकि वो अवैध चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर सके इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 10 दिनों से इस वीडियो के नाम पर हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा, चूँकि चिकित्सालय उसका अवैध है, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि बगैर चिकित्सक के चिकित्सालय नहीं चल सकता है, चिकित्सक रहेंगे तो चिकित्सालय का संचालन कर सकते हैं। मैंने उनको अब तक 1 साल में कोई बेनिफिट नहीं दिया है, यही अपने आप में साक्ष्य है कि मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया है, और उससे कोई पैसे दिया जाता तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट दी जाती है। अच्छा, जो पैसे की बात वीडियो में चल रही है, वीडियो में आप भी देख रहे हैं, क्या वो भाई वीडियो में पैसे की बात इसलिए हुई कि वो खुद वीडियो बना रहा है, कैमरा उसने ऑन किया है, तो जानता है कि उसको अपने पक्ष में क्या बोलना है। मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रैप करने की कोशिश है, ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने की कोशिश है, और इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। सही है, ये प्रकरण हमारे संज्ञान में भी है, और इसके लिए हमने सीबीआई साहब को दो मुख्य विकास अधिकारी है, उनको जांच सौंपा है, वो जांच करके उसके 1 सप्ताह में रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी दोषी जितने भी होंगे सभी की कार्रवाई। सर, रीडिंग ने बताया है सर कि वो आपसे भी मिला था, आपके द्वारा सीएमओ को फोन भी किया गया, आपके फोन करने के बाद भी अगर सीएमओ इस तरह की
जो है गैर जिम्मेदाराना वो करते हैं सर। जो मुझे मालूम है उस प्रोग्राम में वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, उनके पास डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो जो है प्रोग्राम इसके बारे में बात कर रहे हैं के बारे में वो उस समय गलत था। उसके बाद सीएमओ साहब डॉक्टर के लिए बोल रहे थे कि डॉक्टर अगर आए तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, यही प्रॉब्लम थी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वीडियो वायरल किया गया है जिसमें अब सीएमओ की सफाई आई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में अस्पताल का लाइसेंस रिन्यू ना करने के चलते ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस वीडियो को वायरल किया गया है। ये वीडियो जानबूझ के बनाया गया था। वहीं अस्पताल संचालक का साफ तौर पर कहना है कि सीएमओ के द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी जो उनके अधिकारियों के द्वारा उन तक बात पहुंचाई गई थी। अब इस पूरे मामले में सीएमओ या फिर अस्पताल का संचालक आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता राकेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में जहां सीएमओ अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं अस्पताल संचालक की यदि बात करें तो वो सीधा तौर पर सीएमओ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? इस मामले में संचालक जो अस्पताल के संचालक है अब सीएमओ पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरोप जो लगा रहा है वो कह रहा है कि 1 लाख का जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1 लाख रुपया लिया गया है और 5 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है और जो जिस तरह से ये आरोप अस्पताल के संचालक ने लगाया है और वही सीएमओ ने भी सफाई में अपने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए फंसाया जा रहा है, जानबूझ के मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। जी बिल्कुल, डीएम की यदि बात की जाए तो अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आगे की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन झूठ कौन सच बोल रहा है। जी बिल्कुल, इसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, इसको जो है सीडीओ को जांच में लगा दिया गया है, जांच में जो सच्चाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राकेश, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जिस 1 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं तो क्या पुख्ता तौर पर ये सबूत है कि 1 लाख रुपए दिए गए हैं और सीएमओ ने वो कबूले हैं, लिए हैं अपने पास? बिल्कुल, अब वीडियो के माध्यम से तो पता चल रहा है कि 1 लाख रुपए जो है जो आरोप लगा रहा है कि सीएमओ 1 लाख रुपए लिए हैं, उस वीडियो में देखा जाए तो ये बातचीत हो रही है। अब कार्रवाई की बात है तो इंडिया वाइज की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ के खिलाफ। जबकि डीजी हेल्थ दीपा त्यागी ने इस पे कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया था, वीडियो की हालांकि पुष्टि पुख्ता तौर पर नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी वीडियो के आधार पर जो जानकारी थी उस पर अब सीएमओ की सफाई सामने आई है। राकेश, इसके अलावा जिस तरह से हम वीडियो की बात कर रहे हैं, अक्सर ये होता है कि इस तरह के मामलों में लोग इस बातों से भी मुकर जाते हैं कि वीडियो के साथ छेड़खानी की गई, क्या पुलिस से इस मामले में अभी तक कोई इनपुट हुआ है, वीडियो की सत्यता की जांच परख कर ली गई है? फिलहाल अभी इस मामले में कोई भी जांच नहीं हुई है, अब जिलाधिकारी ने सीडीओ को जांच में लगाया है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कौन में दोषी है। फिलहाल ये संचालक तो आरोप लगा ही रहे हैं कि 1 लाख रुपया जो है सीएमओ साहब से मांग रहे थे ये रजिस्ट्रेशन के नाम पे। जी बिल्कुल, तो जिलाधिकारी की यदि बात की जाए तो क्या टीम अब निर्धारित कर दी गई है, क्या गठन कर दिया गया है, किस तरह से? बिल्कुल, यहाँ जिलाधिकारी ने सीडीओ को जांच के लिए लगा दिया है और कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बात करेंगे अगली खबर की। खबर डुबरी से है जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार
पर 4 वर्षों में डुमरी का विकास नहीं करने सहित कानून व्यवस्था बिजली व्यवस्था चौपट करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा है कि आज डुमरी विधानसभा में पूरा हेमंत कैबिनेट चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अगर इस सरकार में डुमरी विधानसभा में थोड़ा सा भी काम हुआ होता तो आज पूरे कैबिनेट को चुनाव प्रचार में लगने की जरूरत नहीं होती। अगली खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां पोखर में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 सगी बहनें एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गई। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीकर जिले के लोसल कस्बे में बेटे के द्वारा अपने माता पिता की याद में करोड़ों की लागत से अस्पताल बनाया जा रहा है। अपने पैतृक गांव में लोगों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 50 बेड का अस्पताल एक बेटे ने बनवाया। अस्पताल के शिलान्यास को लेकर आज भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष समूह बानो, शेखावटी स्कूल निदेशक सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां राजवेंद्र पंसारी ने कहा कि मैंने जनता की सेवा करने के लिए अपने माता पिता से ये सीख ली थी और इसी के कारण ये अस्पताल बनवाया है। पतरातू के एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शुक्रवार को थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, न्यू मार्केट के मॉडर्न ड्रेस नामक दुकान से स्मैक और हेरोइन बेची जा रही है। उसके बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित कर एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और फौरन उस दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं दुकान के मालिक विक्की कुमार श्रीवास्तव के पास से 9 ग्राम स्मैक हेरोइन के साथ ही उसे तौलने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद विक्की कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वह स्मैक और हेरोइन निवासी सुनील राम के पास से खरीदता था। उसके बाद पुलिस ने सुनील राय को भी गिरफ्तार किया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में उनके बेटे विकास किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला उन पर लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने को लेकर दर्ज किया गया है। साथ ही उनके आवास पर विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में किशोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि हत्या के वक्त विकास घर पर मौजूद नहीं था। साथ ही मंत्री कौशल किशोर ने उनके दिल्ली में होने की बात भी कही है। ठाकुरगंज थाने में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में खेत पर सो रहे एक किसान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने किसान की हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्या किन कारणों से हुई इस बात का पता नहीं चल पाया है। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो शामली की तस्वीरें देख पाए, बता रहे हैं कि एक किसान की हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या पुरानी रंजिश कारण है या कोई और, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली से अलीगढ़ आ रहे एएमयू छात्र की देर रात प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरते समय दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल देर रात मृतक साहिल सिद्दीकी अपनी मां को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट पर बिठाकर आनंद विहार से रीवा एक्सप्रेस से वापस अलीगढ़ आ रहा था। अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे की सूचना रेलवे ने मृतक के परिजनों को दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि मृतक साहिल सिद्दीकी पुत्र जियाउल हक दरभंगा बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 12वीं का पास आउट है और इस समय इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।